धारा नगरी को राज राजा खड़क सिंह करया करते। अब देखो भैया हो लो मत करो, और कोई खड़े हो जगह बैठा दो एक बार, और जगह आधी घंटा वो समय है, इनको सदुपयोग कर लो। बुजुर्गो यदि नहीं सुनोगा तो बात समझ में को नहीं आएगी। धारा नगरी को राज राजा खड़क सिंह करया करते। राजा खड़क सिंह की रानी को नाम रूपवती, और रूपवती के पेट से राजा खड़क सिंह के दो लड़का पैदा हुए हैं। बड़े लड़के को नाम रूप, छोटे को नाम बसंत। प्रेमियों रूप की उम्र 4 साल, बसंत की उम्र 2 साल हुए। रानी रूपवती बीमार रहा करती, तो एक दिन राजा तो कचहरी में चले जाए, रानी की सेवा में जबकि दासी रहा करती। बन मेल के माँ चार पाई ही मेल मु चार पाई मंगवा की रानी रूपवती, और दरवाजे में गला ले। प्रेमियों दरवाजे के माँ एक चीड़े चिड़ी को आड़ो, और भी चीड़े चिड़ी के भी 2 बच्चा। चीड़े की चिड़ी खत्म हो जाए है, और चीड़ो दूसरी चिड़ी ब्याह के लिया है, और बाद दूसरी चिड़ी आता ही पहले वाली चिड़ी के बच्चिया के दे दे की चांच खत्म। और ओ दृश्य रानी रूपवती आपकी आंखों देखे है, और प्रेमियों आप पर गठाले, और आप पर यहां गठाले है भगवान। आपने भी रूप बसंत 2 बच्चे हैं, आपा भी बीमार चला है, आपने कुछ ओघो तो रानी तेरे भी रूप बसंत की आई दशा। रानी बड़ी आलमाने लाग जाए, दासी ने कचेड़ी में भेजे कि राजा खड़क सिंह ने जल्दी से बुला के लिया। वो दासी बुला के लिया है, आता ही राजा कहने लगे रानी की बात है, की जरूरी काम हो। कहने लगे महाराजा अपने दरवाजे में देखो चीड़े चिड़ी को आड़ो, आके भी 2 बच्चा। चीड़े की चिड़ी खत्म हो गया है, और चीड़ो दूसरी चिड़ी ब्याह के लिया, दूसरी चिड़ी आता है, अरे बच्चिया के दे दे की चांस खत्म कर दिया। महाराज आपने भी रूप बसंत 2 बच्चा है, मैं बीमार चलू, यदि मेरे कुछ हो गो तो महाराज मेरे रूप बसंत की भी आई स्थिति हो सीखी। आ बात राजा कहना भी रानी हो या करे के, तो कहना कि महाराज मन कोई मेरा तो प्राण कणा ही निकल जाता है, एक बात में प्राण अटक रहे। तो प्रेमियों के रानी रूपवती राजा खड़क सिंह ने कहे, और के राजा खड़क सिंह जवाब दे रखे, वार्ता बने रखी आपने राम सभा सुने। घड़ी पलक में मर जाऊं, रूप बसंत लाड ले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं, रूप बसंत लाड ले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं, अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं, रूप बसंत लाड ले महाराज। अंत समय आया मेरा, मैं घड़ी पलक में मर जाऊं, रूप बसंत लाडले मेरे तेरे हवाले कर जाऊं। राजा कहने लगे रानी यदि तू खत्म हो जिसी मैं दुनिया में जी की के कर शु। तो रानी कहने लगे महाराज मालिक दुख देता है राजा, सबको भरना पड़ता है, महाराज
मालिक दुख देता है राजा सबको भरना पड़ता है, और ईश्वर दुख दे दे तो बिन भरनो ही पड़े। मालिक दुख देता है राजा सबको भरना पड़ता है, और मझदार में नाव डूब जा फिर भी तिरना पड़ता है। सारो परिवार बर्बाद हो जाए नदी माँ की पार करे, और यदि बुढ़ो आदमी बच्चे तो बिन बच्चो ही। मेरे बच्चों को सुख से रखना मत तो सुरगा को जाऊं, मेरे रूप वसंत ने महाराज आराम से राखी। राजा कहने लगे रानी तुम अति बीमार, इतना तेरू जी निकले क्यों करे। रानी कहने लगी महाराज मेरो एक चीज में जी अटक रहे। राजा खड़क सिंह कहने लगे रानी क्या मैं तो कहने लगी महाराज रानी रूपवती कहने लगे महाराज महाराज मेरो एक चीज में जी टकरे। रानी क्या मैं मेरे मरने के बाद राजा कितनी दुनिया बेकाए, मैं खत्म हो जाऊं कती दुनिया तने बेकावे, पर दूजी शादी मत करना राजा रखना दिल को समझ आए। नौकर चाकर खूब कहेंगे रखना धर्म बचाए, और दो बेटा है तर वंश चलाने और बता तन के चाहे। हे महाराज शादी वंश लाने के लिए करी जा, मेरा रूप वसंत तर वंश अपने आप आगे बढ़ा देसी। इतना वचन दे दो राजा मैं तो सुरगा को जाऊं, रूप वसंत लाडले मेरे तेरे हवाले। महाराज मन वचन दे दो मेरो ए चीज में जी अटक रखे के मेरे रूप वसंत की किबरो के स्थिति हो सी। प्रेमियों राजा खड़क सिंह, हाँ भैया राजा खड़क सिंह रूप वसंत ने बुलावे रानी रूपवती के कक्ष में। रूप की उम्र 4 साल, वसंत की उम्र की 2 साल, और दुनिया के सिर पर हाथ मेल की कह लागे रानी मैं मेरे खून की मेरे रूप वसंत की सोगन खा की कू हूं, तेरे मरने के बाद मैं दूसरी शादी करूं और तेरे यकीन नहीं आवे तो आपने कोई आदमी तो नहीं है, सूर्य भगवान साक्षी है मैं तेरे मरने के बाद मैं दूसरी शादी करूं। प्रेमी राजा खड़क सिंह वचन दे दे रानी रूपवती ने। राजा खड़क सिंह को एक छोटो भाई हो जिसको को नाम हो धीर सिंह, और धीर सिंह की छोटे से की माँ खत्म हो जाए है, और रानी रूपवती आपके देवर ने और माँ बन की पाले है। वे धीर सिंह ने बुला के कहना कि धीर सिंह छोटे बच्चे की माँ मर जा बिके कुण कुण सो दुख हो, तेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सके। मैं आज धरती से जाऊं मेरे रूप वसंत में कोई भी दिक्कत आवे धीर सिंह तू आकी मदद करेगो, ए तू वचन दे। तो धीर सिंह भी इस रूप वसंत के सिर पर हाथ मेल की कहने लगे भाभी शाह यदि थे आगले घर चला जाओ रूप वसंत में कोई दिक्कत आसी पहले धीर सिंह पर आसी ए मैं वचन दू। वचन देता है प्रेमी रानी रूपवती तुरंत ही खत्म महल में रोवा कुको माच जेखे। 2 साल 4 साल का टाबर हाँ रूप वसंत आपकी माँ के लिपट की रोड़ने लग जाए, छुटावे भी को आदमी को भी और जी पसीजे बहुत।
प्रेमियों समय बीत तो गयो, राजा खड़क सिंह एक मिनट के खातर भी आपके रूप बसंत ने नजरासियो अलग कर तो पन। चार साल को समय बीत गया है और एक दिन राजा खड़क सिंह की कचेड़ी लाग रही, कचेड़ी में खड़े की एक खास मंत्री और राजा खड़क सिंह कहने लगे, महाराज एक फरियाद है। राजा खड़क सिंह, बोलो बोलो मंत्री जी। आपने राज में हर चीज की व्यवस्था है, आतिकीर घोड़ार धनर दौलत सोना चांदी सब व्यवस्था है, सब मौज है, लेकिन महाराज एक कमी है। राजा खड़क सिंह बोले, मंत्री जी बोलो क्या कमी है। कहने लगे, महाराज महल में रानी को नहीं। राजा खड़क सिंह कहने लगे, मंत्री जी मैं मेरी रानी रूपवती ने मरते समय वचन दिए हा, मैं दूसरी शादी कर नहीं सकता। मंत्री कहने लगे, महाराज रानी अगले घर चली गई, तारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐज का भी पंडित बैठे अनबूझ लियो के जीवता की कीमत होवे, मर्या बाद में यदि वचन की कीमत होवे। प्रेमियों में पंडित बैठे राजा की कचेड़ी के दरबार में, वे कहने लगे, महाराज मर्या बाद में कोई कीमत नहीं होवे। अलग अलग तर्क देखी और राजा खड़क सिंह ने दूसरी शादी करने के लिए तैयार कर ली। और प्रेमियों चार साल बाद में राजा खड़क सिंह एक ज्ञानवती नाम की रानी भी के साथ दूसरी शादी। पहला तो राजा रूप के बसंत के बारे में सोचा कर तो, और दूसरी शादी करता ही और दूसरी रानी के बारे में सोचनु चालू कर देखे। राजा खड़क सिंह मन में विचार कर रखे के भी महिला ने ई बात को बेरो पड़ जा, तेरो पति पहले वो शादी शुदा हो तो भी महिला की नजर में भी पति की और इज्जत कम हो, और यदि ओ पेरो पड़ जा के इक पल्याणी का टाबर भी आ तो और इज्जत कम हो। तो राजा खड़क सिंह मन में विचार करे कि रानी ज्ञानवती की बात को बेरो नहीं पड़नो चाहिए, कापा शादीशुदा और आपने टाबर भी आ। तो प्रेमी राजा खड़क सिंह एक दूसरो मकान छिणावे और मकान छिणा की रूप ने बसंत ने बुला के कहना, देखो बेटा मैं के लागू तारो। बोले, आप पिताजी लागू, पिता भगवान बराबर होवे, पिता की आज्ञा की पालना करनी चाहिए। रूप बसंत प्रेमी तुतलोती आवाज में कहे, पिताजी आपका जो आदेश है वो सर आंखों पर। तो कहना कि बेटा मेरो वो आदेश है कि दोनों भाई ए मकान में रहो मेरी इजाजत के बिना, और तन मैल का नहीं देखू भी कोने। रूप बसंत कह लगे, ठीक है पिताजी। छोटे भाई धीर सिंह ने रूप बसंत के कन्ने छोड़ देखे। और प्रेमियों एक दो दिन तो राजा खड़क सिंह मिलियो, रूप बसंत बा बच्चों मिलनो भी कई कई बार मनो निकल जातो। समय बीत तो गयो, रूप की उम्र 22 वर्ष और बसंत की उम्र 20 वर्ष हो जाए तो साथिया के सागे और टाबर गिंडी खेलने के लिए मेल का नहीं जाए। और प्रेमियों रूप गिंडी के टोरो मारे है और गिंडी सीधी मेल के माए। छोड़ो भाई रूप बसंत और सागड़ा कहना गया, भैया रूप गिंडी के टोरो आप लगाए, आपना सजा गिंडी थेले क्यों। प्रेमियों रूप ये बात ने भूल जा का आप पिताजी मना करो, और रूप महल में गिंडी लेने वास्ते जा है, महल में अग्न जा है। जब रूप के याद आवे, आप तो गलत कर लियो, अपना पिताजी अपन मना करियो हो के महल में आणू को नहीं, पर महल में तो आएगा, अपने पिताजी की तो आज्ञा को उल्लंघन होगो। अब आप यदि महल में आगा तो रूप ने बात को बेरो अपना पिताजी दूसरी शादी कर ली, दिन मौसी भी कमे माँ भी कमे, तो आप महल में आगा अपनी गिंडी भी लेता चला और मौसी का भी दर्शन दीदार करता। प्रेमियों रूप आगन महल में जाए, रानी ज्ञानवती खड़ी और जाकी रूप पगा लगे है कि मौसी प्रणाम करो। रानी ज्ञानवती नरीश आई, बोले रे ओ बंदा ये झूठा रिश्ते बनाना कहां से सीख करके आया, कौन है आप, मां आपको जानती नहीं। कहना कि मौसी, बोली और भाई बात, जब रूप कहना कि मौसी चीड़ो मत, मैं राजा खड़क सिंह को लड़को, मेरी माँ को नाम रूपवती हो और मैं दो भाई है, मेरे छोटे भाई को नाम बसंत मेरो नाम रूप है, अर्थे मेरे पिताजी के ब्याह के आए हो, इसलिए मौसी हो तो आप और माँ हो तो आप, मेरी माँ तो दुनिया में है। प्रेमी रानी ज्ञानवती रूप शान शकल को कलर को नाक नक्श को बड़ो सुंदर, और रानी ज्ञानवती रूप के भी और रूप पर मोहित हो जाए और कहने लगे, रे सुने मौसी वोसी का रिश्ता तो कुछ है नहीं, यदि तेरे को रिश्ता रखना है तो एक प्रेम प्रेमिका को रिश्ता रख सके। रूप कहने लगे, मौसी माँ के मुंडो ए बात बेटे खातर निकले
आ धरती क्या प्रतीक्षी कह लगी, बोले तेरे को रिश्ता रखना है जद रूप है और हाथ जोड़ की मोशी ने कहे मेरी मात बराबर लागे मोसी ओ मेरी मात बराबर लागे मोसी बुरी धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी हो करके धर्म लागे मोसी मेरी मात बराबर लागे मोसी बुरी धारणा ठीक नहीं पतिव्रता नारी होकर के धर्म आरणा ठीक नहीं मामर मोसी में कोई फर्क नहीं है। रानी ज्ञानवती कहना गिरे रूप मेरी बात मान ले मेरी बात नहीं मानी तो सजा तुझे करवा दूंगी और तेरे पिता ने कह करके फांसी तुझे दिलवा दूंगी। मेरी बात मान ले रूप मना करना ठीक नहीं मेरी बात मान ले फायदे में रहूंगा यदि नहीं माने है तो तेरो बाप मां आज तेरे बाप की रानी हूं तेरो बाप मैं कशु जी आकर्षित तन फांसी की सजा और रूप मना करो प्रेमियों। रानी ज्ञानवती रूप को हाथ पकड़ ले हाथ पकड़ता है रूप के समझ में आवे कि मोसी का तो लक्षण बढ़िया हाथ छुटा के और कहोगे मोसी तेरो डोली रूप प्रेमियों पछो बार ना जाके गिंडी कटार सब मैल में छुटिया बे जकी रानी ज्ञानवती की सेवा में दासी नौकर रहा कर तब बे आपकी आंखें से उदृश्य देख रहा। रानी ज्ञानवती मन में विचार करियो कि रानी तन तो मौत की सजा निश्चित है क्यों रूप आपके बाप ने किसी राजा खड़क सिंह अपनी बात मानसी का आपके बेटे की बात मानसी तेरी तो मौत निश्चित है और रूप ने कैसी तो दासी नौकर एक ऐसी रानी बच्चे तो एक ही कारण बच्चे के रूप के राजा के कने जाने से पहले पहले यदि तू तिरिया जाल फैला दी तो बच्चे ने तो बच्चे प्रेमियों। रानी ज्ञानवती और जका नौकर दासी सेवा में रहा करता बन कुछ टको पिछो देखे और बन कह लगी कि ताने राजा के कचेड़ी में जाके अरे बयान देना ही कर रूप मेरे सागे जबरदस्ती करी और आपका शरीर का कपड़ा फाड़ ले बॉडी के शरीर के खरोंसी कर ले है श्रृंगार बखेर ले है और एक दासी ने कचेड़ी में भेजी कि राजा ने जल्दी सी कचेड़ी से बुला के लो। दासी जाके कहने लगे महाराज महाराणी साई बात ने जल्दी महल में बुलाए हैं राजा आवे प्रेमियों तो रानी का कपड़ा फाटिया पड़िया श्रृंगार बखेरड़ो पड़ियो बॉडी के शरीर के खरोंसी खोरी राजा ने रीस आवे राजा मन में विचार करियो आपा एक धारा नगर नगरी का राजा और आपने घरा और आपनी रानी के साथ के ओ व्यवहार करने की हिम्मत की उसके
तलवार मानसु बार ने का देखे और कहने लगे रानी तुम्हारी ये हालत किसने की। रानी बहुत जाल फैलावे जकी ये जगह थानदार जी बैठे जकी लुगावड़ी ही ने कोई आदमी इज्जतदार आदमी की और इज्जत पाटने के लिए और 300 छंत्र को मुकद मुकरे में यहाँ कह रहे महाराज मैं गरीब लुगाई बेरो को नहीं पढ़ी साची बोले कि झूठ बोले। प्रेमी रानी ज्ञानवती और राजा खड़क सिंह ने कहे राजा कहना क्यों रानी जल्दी बता मेरो खून है और खोद रहे मैं उसकी कत्ल करूंगा जल्दी बता। रानी कहना कि महाराज आप कुछ नहीं कर सकते। राजा बोले बता मैं राजा हूं क्यों को नहीं कर सकूं। बोले महाराज जिसको मेरे सागे हालत करी है वो आदमी ही हल को। राजा कहना कि रानी तू जल्दी बता। बोले महाराज मेरी याद दशा तारो लड़को रूप करी और राजा का हाथ तलवार। प्रेमी राजा खड़क सिंह मन में विचार करे कि रानी ने इस बात को तो बेरो पड़ गयो का आप शादीशुदा हाँ और आपने दो संतान भी लेकिन राजा कहना को देख रानी तने इस बात को बेरो पड़ गयो मैं शादीशुदा हूँ और मेरे दो संतान भी हैं लेकिन रानी तू मेरे बेटे ने जाने को नहीं मेरे बेटे रूप के बारे में तू 15 मिनट मिली ही या 10 मिनट मिली होगी मेरे खून के बारे में क्यों तू के जाने के। रानी मेरो सो लड़को हो नहीं सके तो रानी और ज्ञानवती प्रेमी राजा खड़क सिंह के कबे रखिए रानी ज्ञानवती जवाब दे रखिए वार्ता। राजा कहला गो रानी राजा खड़क सिंह कहना गो रानी जान बूझ के मत ना लगावे तू चंद्रमा के काय जान बूझ के मेरे बेटे के दाग लगाऊं तेरी बढ़िया बात नहीं है जान बूझ के मत ना लगावे चंद्रमा के काई रूप ऐसा छोरा नाशे कर दे असी बुराई मैं मेरे बेटे ने जन्म से जानू अति बड़ी गलती कर दे तू के जाने रूप के बारे में रूप जैसा बेटा दुनिया में ढूंढिया ना पावे और तेरा बलाना होगा मेरे बेटे के झूठा दाग लगावे रूप यदि ब्याह करवावे लादू 360 लुगाई। रानी मेरो बेटो यदि ब्याह करवाणो चावे तो मैं दारा नगरी को राजा हूँ गदी नरेश हूँ और रूप चावे जियान की लड़की के सागे श्याम पहले शादी करवा दू लेकिन रानी शादी की बात नहीं है तने मेरो बेटो रूप और बसंत अच्छा नहीं लगे तू मरवाना चाह। रानी कहना की महाराज ये बात को बेरो मन पहले भी हो तो रानी ज्ञानवती कहे बाप से राधा राधा
खेलागी महाराज तने निर्णय करनो पड़सी, तू रूप का बाप से मैं लागू तेरी नार, रूप अच्छा लागे महाराजा मेरा सिर तारे। महाराज रूप की गलती को नहीं, गलती मेरी है। रानी ज्ञानमती मन में विचार करियो, राजा की हाथ तलवार छूटता है कि रानी अब चढ़ाई कर ले, नहीं राजा ने बेरो पड़ गयो तो तेरी खैर नहीं है। रानी कहने लगी महाराज तलवार उठाओ, सिर आगे कर दे। महाराज रूप की गलती को नहीं मेरी है, मेरो सिर कलम कर दे। राजा कहने लगे रानी परेशान मत कर। रानी कहना कि नहीं, बोलन दे मने, बोलन दे, मेरा सारा नूर चढ़ दे थे, तू तेरा महल संभाल राजा, मुझे कुआ में भरने दे, मेरा हूं तन्ने के मतलब है राजा, तू तो तेरे बेटे की गलती। प्रेमी राजा खड़क सिंह और रानी सु माता पोड़ी करके पाछो कचेड़ी में चलो जाए। राजा जू गद्दी पर जाके बैठे, प्रेमी रानी ब नौकरण बादशाह सागे लेखे और कचेड़ी में जे आपनो भाई बेटो रिश्तेदार न्यायाधीश हो, जटे ताई सीट पर नहीं बैठे, जटे ताई आपनो रिश्तेदार है, सीट पर बैठ गो तो एक न्यायाधीश को फरियादी को रिश्तो है। तो राजा जटे ताई गद्दी पर नहीं बैठतो, जटे ताई रिश्ता होता गद्दी पर बैठ जाए तो राजा को प्रजा को रिश्तो। राजा जो कचेड़ी में जाके बैठे, रानी पेश हुए, महाराज आप एक सूर्यवंशी राजा है, आपके सामने एक और ऐसा है और शोषित महिला खड़ी है, महाराज न्याय मिलना चाहिए। राजा कहने लगे रानी मैं कैसे मान लूं कि मेरे लड़की रूप ने आपके साथ जबरदस्ती की है। रानी कहने लगे महाराज आपके दादा परदादा भी बड़े न्यायप्रिय थे, आपका दूर दूर तक नाम है, महाराज एक अबला को न्याय मिलना चाहिए। राजा कहने लगे रानी कोर्ट कचहरी भावनाओं को नहीं चले, सबूत चाहिए। और दासिया ने नौकरण आगे कराया, प्रेमी रानी दासी नौकर ए गवाही दी कि महाराज मारी आंखों के सामने और रूप रानी ज्ञानवती के सागे जबरदस्ती। प्रेमियों राजा के कुछ ताई जचे है कि तन्ने बेरो नहीं हुए कि और कुछ बात उसके है। राजा कहने लगे और रानी आप क्या चाहती है। रानी कहने लगी महाराज मेरे को न्याय जब मिलेगा जब रूप को सजा मिलेगी। राजा कहना को ठीक है रानी, क्या सजा चाहती हो रूप को। बोले महाराज मेरे को न्याय जब मिलेगा जब रूप को फांसी की सजा होगी। और प्रेमी राजा ऑर्डर कर दे कि रूप को फांसी दी जाती है और ऑर्डर सिपाही ने पकड़ावे है। सिपाही ले हथकड़ी ऑर्डर लेगी और रूप ने गिरफ्तार करने जाए। प्रेमी ब्यू थोड़ी पहले अरे रूप आपके छोटे भाई बसंत के ने पूछे, अरे जाके बताओ बसंत मैं यार गिंडी लाने गयो, मैं देखो मौसी का भी दर्शन दीदार करया वहाँ, पर आपनी मौसी तो बहुत खराब है, आपनी मौसी का तो लक्षण बढ़िया को नहीं, आप बात बतावे। इतार न सिपाही हथकड़ी लेके पूछ जाएगी रूप के हथकड़ी पैरा में, बसंत बार की फिर जाए। सिपाही ने कहना कि मेरे भाई रूप की कोई गलती नहीं, मेरे भाई ने मैं दोनों भाई 20 वर्ष में एक मिनट भी अलग को नहीं है, मैं मेरे भाई को स्वभाव जानू, ले जाऊ मत। सिपाही कहना गया राजकुमार ऑर्डर मारा को नहीं, मैं तो राजा के ऑर्डर की पालना कर रहे हैं, राजा का ऑर्डर है। जब बसंत कहना गयो कि राजा का ऑर्डर है तो मेरो एक आग्रह है, राजा से आ कहो कि छोटो राजकुमार बड़े राजकुमार ने ल्याण कौन दे, फिर भी राजा नहीं माने तो आ कह दो कि फांसी देनी चाहे तो एक रूप ने नहीं, रूप बसंत ने दुनिया ने। प्रेमियों सिपाही कचेड़ी में जाए जाके महाराज, राजा ने कहला गया महाराज छोटो राजकुमार बड़े राजकुमार ने ल्याण कौन दे। राजा बोलियो के है आ कह के तने फांसी देनी है तो रूप ने बसंत ने दोनों दे दो। राजा कहने को छोटो राजकुमार आके तो दूसरे का भी ऑर्डर पकड़ा दिया कि रूप बसंत दोनों को फांसी दी जाती, दुनिया का ऑर्डर दिया। दोनों ने गिरफ्तार करके सिपाही लियावे जटे फांसी देने की जगह होती बटे ले जाए कि जल्लाद खड़ा 5-7 सिपाही खड़ा। प्रेमियों ए बात को बेरो अरे रूप बसंत के काके धीर सिंह ने पढ़े, जब धीर सिंह के यहाँ आवे कि रूप के बसंत के सागे यूं बड़ी जुल्म ज्यादती कदो सी भी जीवन में, तो जटे फांसी देने की जगह ही 10 सिपाही या 2 जल्लादा तो प्रेमियों 50 आदमी लेकी और धीर सिंह पूछ जाए सिपाही कर जल्लाद के सागे लड़ाई करे खे और रूप ने बसंत ने दोनों ने बैठे हूँ धीर सिंह छुटवा देखे और पीछे के रस्ते एक जंगल के माए ले जाए और जाके कहना को देखो बेटा दारानगरी को कोई भी युद्ध आवेगो
बिन मसल टूंगा। अब बेटा मैं तारी अति मदद कर सकूं, इन ज्यादा और कोई मदद नहीं कर सकूं। ओ गेलो पड़ो ये रिश्ते चलिया जाओ, अब मन थे बेटा माफ कर दियो। प्रेमियों रूप बसंत भी बियाबान जंगल में चले, राजा का लड़का उभाने पगा न पूरा कपड़ा और न कोई पानी की व्यवस्था, कणा कांटा लागा कणा सूल गडगी चालता चालता। और धीर सिंह ने और राजा खड़क सिंह मुलजिम ने छुटाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में जंगल के माए चाले खे चालता चालता और तीस तो लागे ही पानी की व्यवस्था को दिखी। पर बड़ो आदमी हो वे चाहे वो 12 महीना हो एक महीने भी तो छोटे के सो हाथा कुछ बल रहे। रूप सागे वो बसंत कहने लगे भैया रूप मन 30 लाग रही है पानी की व्यवस्था करो। तो एक पेड़ के नीचे और बसंत ने रूप बैठा दे प्रेमियों और कहना कि भैया बसंत तू आराम बैठ, मन टाइम लाग सके घंटा को लाग सके डेढ़ घंटा को, मैं तारे वास्ते पानी लेके आऊं। प्रेमियों रूप पानी लाने वास्ते जय है और जी पेड़ के नीचे बसंत बैठो भी पेड़ के मैं एक सर्प रहा करता और वो सर्प बसंत का डंक लगावे है और बसंत का प्राण पंखेरू उड़ जाए। घंटा डेढ़ घंटा बाद में रूप पानी लेके आयो तो कहने लगे भैया रूप बसंत पानी पी लो। बसंत तो ओवे तो पी ले, थोड़ी ऊंचे सुर में कहियो भैया बसंत पानी पी लो। और नहीं बोले है तो शरीर का हाथ अड़ावे रूप है और शरीर के रूप हाथ अड़ावे है और प्रेमियों बसंत को शरीर जमीन पर लुटक जा लुटक ताई फट दौड़ो जा है कणा नाड़ी देखे कणा हार्ट देखे सांस देखे। प्रेमियों सांस हो ही को नहीं, सांस नहीं होयो तो भी बियाबान जंगल के मार रूप बदले वह है और भगवान शिव प्रार्थना करके कहे जी कहा डूब मर जाऊं मैं सब सत्यानाश हो लिया, रूप भी बियाबान जंगल में बरला वह कहा डूब मर जाऊं मैं जीऊं तो रू या कटे फांसी खा के मर जाऊं या जहर खा के। अरे ओ ये मत करो, ओ भैया ये मत करो, बात मत करो, शर्म नाम की चीज ही को नहीं किसी। कहा डूब मर जाऊं सब सत्यानाश हो लिया, मेरे भाई की काया से विद्या सांस हो लिया, बुरी करी भगवान जंगल में। प्रेमियों रूप के वह है भगवान, तने बसंत का प्राण लेना तो तुम मेल में भी ले सको। बुरी करी भगवान जंगल में रोया रुधन मचाया, एक बार मुख से बोल मेरे भाई बसंत में जल ले करके आया। बसंत ए बार खड़ो जा तुमन पानी लेने खातर भेजो हो, तेरे क्यों हो तुमन आ बात बता दे, मेरी आत्मा क्या संतुष्ट हो सी के मेरे भाई बसंत के क्यों।
एक बार मुख से बोल बसंत मैं जड़ लेकर के आया, जीवता ना पाया रे स्वर्ग वास हो लिया, मैं खेल तन चन छोड़ के गयो, एक घंटा मत तेरे के हो और के न। प्रेमियों बाप के एक ही बेटो है 20 वर्ष को, बीमार हो जा बोले कि जयपुर जा और वो लड़को खत्म हो जा तो बिखा आधे घंटा तो आंसू में रो पीट की और वो बाप ही तो स्ट्रेचर ले आवे और भी बॉडी ने आपका हथाऊ बेटे की बॉडी ने मिल पोस्टमार्टम खतर आप ले जा बाप और पोस्टमार्टम करा की और भी बॉडी ने भी मोर्चरी वो बाप ही रखे और भी बॉडी लाने खतर प्रेमियों एम्बुलेंस भी किराए बाप ही करे और बीच में लम्बो रस्तो तो चा पानी पी पी वे आंसू कदा में आंसू पूछनी आवे जन आंसू आम नहीं तो आवे कोने। रूप बियाबान में जंगल में रो रा की और मन में विचार करो आपने सिवा कोई नहीं है, आ बॉडी है इको अंतिम संस्कार तो करनो ही पड़सी, तो अठे जंगल में तो कोई व्यवस्था है नहीं, आप कठे न कठे चालस्या कोई न कोई गांव जरूर आसी तो रूप चाले है और बताई है। अरे क्रिया कर्म करूं भाई का शहर की सुसी लगाई, शेर कमर कद वहां पर चल की आई, रूप कहे है कि क्रिया कर्म करूं भाई का ए बॉडी को अंतिम संस्कार तो आपा नहीं करनो पड़से, क्रिया कर्म करूं भाई का शहर की शुद्धि लगाई और मिस्र देश का शेर कमरगढ़ वहां पर चल की आई, भी जंगलों दक्षिण साइड में चाले के और चलता चलते एक नगरी आवे जिक्की को नाम शेर कमरगढ़। रात अंधेरी सारी डलगी प्रकाश हो लिया, अंधेरी रात बीत गया है सूर्य उगया वे है उजास हो गया है, रात अंधेरी सारी डलगी प्रकाश हो लिया, मेरी बाई के काया से विदा सांस हो लिया। प्रेमियों समय को संजोग कया को बने, भी शेर कंवरगढ़ नगरी को राजा हो वो बड़ो वृद्ध हो और राजा निपुत्र हो, राजा के कोई संतान नहीं थी, तो राजा शेर कंवरगढ़ को सारे नौकर चाकर ने विद्वाना ने बैठावे और सन कचेरी में बुला के कहे थे मेरी खूब सेवा करिए सगला, मेरे कोई संतान नहीं, मैं तारा मुँह एक जने ने राज दे देसु तो तारा आप श्री में लड़ाई हो सी, इसलिए आपकी विरासत लिखे शेर कंवरगढ़ को राजा के जक्के दिन मैं खत्म हूं और मेरी अर्थी बना के चलो, तो शेर कंवरगढ़ नगरी ने छोड़ के दूसरी नगरी को आदमी और पहल चोट अर्थी के सामने मत थे बिनी राजा बना दे तो तारा लड़ाई नहीं हो। प्रेमियों जक्के दिन शेर कंवरगढ़ को राजा खत्म हो गया है, अर्थी बना के चाले है और भी अर्थी के सामने कफन काठी की दुकान पूछ तो रूप से पहले सामने आजा है और रूप ने पकड़ की और नौकर चाकर रूप तो आबूज बला गया कोई अटे कोई कफन की दुकान है के और पकड़ की और सिद्धो गढ़ में ले जाएंगे और गद्दी पर बैठा के और राज तिलक कर दे और शेर कंवरगढ़ नगरी को ताज और रूप के सिर पर फहरा दे और बोले महाराज आप राजा हो। रूप कहना क्यों भाई मैं क्या को राजा हूँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और मेरो भाई जंगल के मां खत्म हो गो, मैं तो भी कल दाज संस्कार को सामान लेने आए। नौकर चाकर कहने लगे महाराज मैं सुनी तो इं को नहीं कर राजगद्दी एक मिनट ही खाली को नहीं रहे, अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति राज्यपाल या मुख्यमंत्री खत्म हो जाने तो बाकी ऑफिस के बाबू ने चार्ज देनो पड़े पर गद्दी एक मिनट भी खाली को नहीं रहे। वे कहने लगे महाराज मारे शेर कंवरगढ़ का राजा है बे आपकी विरासत में आ लिखाई के अर्थी के सामने पहल छोटा बथे बिनी राजा बना दो, इसलिए मैं तारी बात सुनी को नहीं, राजगद्दी खाली
तो बा तुम्हारी माफी चाह तारे भाई ने तो मैं पाछो को लिया सका पर राज के सम्मान के सागे अरबा को अंतिम संस्कार कर सिया महाराज अब तस्लियों आपा जंगल में चाल सिया और तारे भाई की बॉडी ने ठिले के सिया और राज के सम्मान के सागे अंतिम संस्कार करते हैं प्रेमियों ए तो शेर कमर गड के गडसू और हाथी घोड़ा लेकी बसंत की बॉडी लाड़ने जाके और बसंत की बॉडी जटी पड़ी बटी की एक महात्मा गुजरे महात्मा नो जहर उतारण वावो महात्मा देखे बसंत के शरीर ने और वो जहर खींचर प्रेमियों बसंत पाछो जीव तो बसंत जीव तो वे बसंत मन में विचार करे क्यों आपकी जान में बसंत तो नींद से तो उठी होगी बसंत क्या वे भाई रूप आयु क्या कोई आ जाणू छी कठिन कटे तो पानी मिली तो प्रेमियों बसंत बाजे कणा उत्तर साइड में बाजे और जोर जोर हूँ आवाज लगावे भैया रूप आप कहाँ हो इतनी देर हो गई आए कैसे नहीं भैया रूप जल्दी आ जाओ मुझे डर लग रहा जल्दी मेरे प्यास लग रही कणा इस साइड में बाजे कणा इस साइड में बाजे कणा इस साइड में घंटा दो घंटा रो कूक की और बसंत कहीं आवे हो कि कदे आपने भाई रूप का आ जा के आप भजन बन जावा कि बुरो आपन सुत्यान छोड़ के चलो जा या आवे वो जंगल के एक माँ शेर सीता है आपने भाई रूप ने किबरो कोई खास कहे तो रोम तो और बसंत भी जगह से पूर्व साइड में चाले खे और पूर्व साइड में चलता चलता एक समुद्र को किनारो आवे खे एक मछुआरे का घर खा प्रेमियों कत्ती काची मौत जो इस शरीर ने रोटी तो देनी पड़े बसंत ने भूख लगे मछुआरे ने जाके कह लगे मैं भूखो आदमी हूँ तीन दिनों भूखो मन रोटी खुआ मछुआरो सुबह रोटी खुआ दे पर बसंत ने बुला के कहना को देख बेटा मैं तन शाम की रोटी को नहीं खुआ सकूँ अति मेरी ताकत को नहीं तू तेरी जगह देख ले बसंत कहना गया भाई मैं कटे जाऊँ मेरे तो कोई एडो को नहीं अब जटे मछुआरे का घरा बटे समुद्री घाटो समुद्र में जकी जहाज चाल्या करती वे प्रेमियों बठे रुकिया करती मछुआरों और बसंत बात करे हैं त्यार ने एक जहाज आके रुकर मछुआरों कहना गो बेटा इस जहाज में नौकरी कर ले तो बसंत भी जहाज में नौकरी के भी सेठ के करने जाए बोले मन नौकर रखो सेठ बोले भाई के ले सी तू बोले मन क्यों को नहीं चाहे मन दोनों टाइम रोटी चाहे सेठ मन में विचार करो अतो सस्तो भी मजदूर कोई आवे के तेरो नाम के है बेटा बसंत मन में विचार करो तू आ कैसी मैं राजा खड़क सिंह को लड़को इनके मतलब है बसंत कहने लगे मेरो तो गरीब नाम है शेठ को माल की कहना ठीक है बेटा तू आराम नौकरी कर और दोनों टाइम रोटी खाया कर मजा करया कर प्रेमियों समुद्र के देखो चार घंटा को टाइम बीतो भी माँ के चले मेढ़ा दोनों बराबर योग्यता और समय को फेर क्या लगो वह के रूप तो राजगद्दी मिल जाए है और बसंत के खातर रोटी भी कोने भजन गाया करें भजनी भाई रे मत दीजियो मावड़ली ने दोष कर्मा की रेखा न्यारी चार ही घंटा को समय बीतो भी समुद्र के अगुणी साइड में पूर्व साइड में एक शेर पड़ा कर तो पनेर और पनेर को राज कराया कर तो एक नामदेव नाम को राजा नामदेव का एक लड़की चंद्रा नाम की चंद्रा जवान हो जाए है राजा नामदेव चंद्रा को स्वयंवर रचे स्वयंवर क्या ना कहें लड़को लड़की आप श्री में देखे राजा की जती औकात होती बताई आदमी राजकुमार बुला ले तो अरे कह तो बेटा आ के मा तेरो वर चुन ले हम चोखो लागे ने जको तेरे पति मान ले स्वयंवर इन्हीं कहता राजा नामदेव का पिपीसाड़ो तो समुद्र के पूर्व साइड का तो राजकुमार बुलावे ही बुलावे दक्षिण साइड का राजकुमार भी स्वयंवर बुलावे है और प्रेमियों पे दक्षिण साइड वाला राजकुमार पश्चिम साइड वाला राजकुमार भी सेठ की जहाज किराए करके और चंद्रा के स्वयंवर में जबकि जहाज में बसंत नौकरी कर जाके पनेर पूछता ही राजकुमार से गला उतरगा वह चलिया जाए कि प्रेमियों सेठ कहने लगे गरीब स्वयंवर में टाइम लाग सी आप आठे बैठे खेक रहा तो बसंत ने ले कि वो सेठ भी स्वयंवर में चलियो जाके प्रेमियों राजकुमार आंकन तो और गद्दी सिंहासन मिल रहा बसंत तो गरीब आदमी कौन दे बोरी पर जाके बैठ जाए चंद्रा जो वरमाला लेखी आवेख है प्रेमियों रूप छानू को निर कई कई बाया को मुंडो यहाँ लोग जो भैंस को छाणू हो जी को और फिर लेव लीर बे टूप को आलमारी बरेडी रखे तो ही जैसे को जैसे रेशी और क्या वही चेंज करिए टूप कती रगड़ लिया चाहिए तो बे जगह राजकुमार हा
बे सोनूर चांदी का भूषण लदरिया पर स्वरूप को निया भजन में बताई है कि बायड़ो तो सोनू को नीपजे रे सोनू प्रेमी बायड़ो को नीपजे मोती लागे को नी डाल मोती कोई डाली के कोन लागे रूप तो उदारो बीरा ना मिले रे मांगियो मिले को नी ज्ञान ज्ञान मिले को नी गया मांगियो रूप शान बसंत शान शक्ल को बहुत सुंदर हो चंद्रा वरमाला लेके अवर बा राजकुमार अनशन देखे और बसंत ने देखे बसंत पसंद आ गया है और बसंत के गले में वरमाला दे वरमाला घेरता ही और पूरो दरबार सुनो जा राजा नामदेव के ये बेटा चंद्रा ओ के करे ये फकीर के गले में वरमाला ये बेटा तेरा निर्णय ने चेंज कर बसंत भी समझ आवे चंद्रा तू एक राजा की राजकुमारी है मैं तो झाज के मां रोटा साटे नौकरी करूं मेरे फकीर के तू रह की कर से चंद्रा कहने लगी देखो पिताजी और बसंत ने कहने लगी देखो आप पति की और जिंदगी में एक ही बार निर्णय करो जा पतिव्रता स्त्री बार बार निर्णय करो ने ए पतिव्रता को निक और वास्तव प्रेमियों बन पतिव्रता को निक भाई आज तो बैठे है फिर चार वर्ष गुण साई शर्म रेली बैठे हूँ दी बमडी ही जो फिर नकोदेश्वर में रेली बैठे हूँ दी बमडी दाऊ शर्म रेली ए भाई कोई कोई बड़ो गांव हो बिकमा एक महिला कोई मिरासी के साथ शादी कर ले बिका तीन चार टाबर होगा फिर मिरासी के भी कहण बनोगी बिन तो छोड़ दियो फिर एक दर्जी का शागे ब्याह कर लियो दर्जी का भी दो तीन टाबर होगा भी दर्जी ने भी छोड़ दियो फिर एक सोन जी नाम नैण हो भी कसागे शादी कर ली भी का तीन चार टाबर होगा अब बा टाबरा ने पढ़ावे कौन है सरपंच छपरा के लाएड़ा इन्हें खाई रोटी अरसी दगवड़ के माए अरे पकड़ छपरा ने गेले गेले एक आदमी जय हो बा टाबरा ने देख के बोलो रे भैया एक ही कहीं गांव का बोलिया कहने वो बडोड़ो छोरो जब 17-18 साल को हो वो जवाब दियो बोलियो पहले तो हा मैं मीर मिराश फिर बनिया मैं दर्जी और अब बाजा सोन जी नैन कर आगे माकी मर्जी मां ठे टिक जा करूं बमड़ी ते जाख चंद्रा कहने लगी पिताजी पति की को निर्णय जिंदगी में एक बार करियो जा मैं मेरो निर्णय कर लियो आज से ये मेरा पति है मैं इसकी पत्नी हूं आप कुछ भी कहो और बसंत ने कह लगी कि देखो आप मेरे पति हो आप यदि जहाज में रहोगे मैं जहाज में रह लूंगी आप यदि जंगल में रहोगे मैं जंगल में रह लूंगी आप एक रोटी खाओगे मैं आधी खा लूंगी पर आज से आप मेरे पति मैं आपकी पत्नी राजा नामदेव बड़ो रिश्म हो गए क्रोधित हो जाए और कहने लगे चंद्रा बाहर निकल यहां से जल्दी तेरी शक्ल में दिखा पन काट दे प्रेमियों चंद्रन ले की बसंत जा कटे एडो वो जहाज को यू जहाज में जा है बसंत के ही आवे हैं कि चंद्रा है तो खानदानी प्रेमियों 500 फुट को रस्तो और बचो बसंत मन में विचार करो चंद्रन चंद्रन आपनो परिचय बतानो छे बसंत कहने लगे शेठ आगे आगे चलो बसंत कहने लगे चंद्रा तन घबराने की जरूरी नहीं है मैं कोई एरो गेरो कोई लुटेरो और ऐया को कोनी हूं मेरो नाम बसंत है मैं राजा खड़क सिंह को लड़को हूं दारा नगरी को राजा खड़क सिंह को लड़को हूं मेरी माँ को नाम रूपवती हो मैं दो भाई हाँ मारे भाई जी पर मौसी वलेम लगा कि फांसी की सजा करवाई और मारो काको जी छुटवा दिया और जंगल के रास्ते में मैं जंगल में आ गया बटू मेरे बड़े भाई को नाम रूप है मेरो नाम बसंत है भाई जी अब जी में है करने जीव मन बेरो को नहीं लेकिन मैं चंद्रा खानदानी हूं तन गरीबी जरूर है पर तन डरने की जरूरत कौन है प्रेमियों जहाज में बैठ देख रहे मुकेश जहाज में बैठने से पहले पहले और बसंत चंद्रा ने आपको पूरो परिचय बता दे जहाज में बैठ जाए कि जहाज जो समुद्र के माए जाए तुझको जहाज को मालकी हो को चंद्रा पर जी आ जाए वो मन में विचार करो बंदर के मुंडा में अदरक है भाई कैटरे ना कह पाए कि आके जब मैं नानू जी का रश हूं ना तारा चुमू को नहीं हो बैगे तो अचुम हो जाए कहीं बंदर के मुंडे में चंद्रा ने तो अपा राखा जना तो जहाज के किनारे ले जाए बोलो गरीब उरा किनारे ले जाए कि कहने लगे बदे बाके चीज है
बसंत देखे लेरू शेट देहे बसंत के दखो और बसंत समुद्र के ओ दृश्य चंद्रा आपकी आंखें देख रही। तो शेठ ने चंद्रा की कहे और के शेठ जवाब दे की वार्ता बने रखी अपनी राम सभा धर्म कर्म का ख्याल किया ना मन में गलत विचार किया धर्म कर्म का ख्याल किया ना चंद्रा कहना कि शेठ मेरे पति के धक्को कहीं दियो भाई। शेठ कहना कि चंद्रा कहीं दियो क्यों दियो बिना छोड़ तेरो पति जीव तो नहीं है या तो पानी में डूब के मर गो या कोई बड़ी मछली निगलेगी या कोई मगरमच्छ खा गो पर तेरा पति जिंदा नहीं है। और कहना कि चंद्रा भी भिखारी कहने के खाऊ हो रही तो एक राजकुमारी जैसी है मेरे साथ में शादी कर महारानी बना करके रखूंगा। जब चंद्रा ने भी रुक पड़े चंद्रा बसंत ने तो तेरलो रूप खा गयो। प्रेमियों चार चीजें यहां लिखी हूं मैं के बस सदा ही खराब करे बोड़ो भाई सदा ही खराब करे बदमाश बोझाई सदा ही खराब करे और चुगलियो जुआई और स्वरूप लुगाई सदा ही खराब कर रहा। बोलो भाइयों बने मैंने कोई दो डोला मारू का पाया पाया और पूरे बम तब मचा के बगे क्यों जकदर सगाई करने गया जकदर मजबूजो बनी और आज के भेजिया तू आ रहे करा शीग लाखी क्यों कई मेल दी नाना जी वर्का कुमार प्रबंधु के और बदमाश बोझाई अया मत करो ओए ओए सुन अरे ओ बोलो है तू भी बीच में बात मत करो भाई आबार कर दो पूरी बस आबार ज्यादा पांच सात मिनट और ले लेश अरे यदि नहीं करने दो मैं छोड़ दू बीच में तो तुम बीच में बोलो मत भाई बदमाश बोझाई एक जगह घर हो मैं डोली बीच में बदमाश हो ना पोईडी रोटियां ने बाके बने आपके देवर जेठ ने आपको सिर पर जाओ भगवान भी हो के रोके के करे आठ दुश्मना के ले जाए के मुंडा गांव का दिन के पहले दर्शन होगा मन तो रोटी को नहीं मिले पोईडी रोटी खाने को दे चुगलियो जुआई आवे गो पगा लगे गो बापू जी प्रणाम करूं बापू जी मन तो थाली बेटी कही बापू जी के बीमार चलने दिखाया ही को नहीं वो बापू के नाराज हो दिखाओ खुण हो खुण दिखाओ मुन्नट है बापू जी दिखा तो मैं दे तो अपन ए राकेश जी और ए के मारा बाप ने मन पहले ही रोड़ा करा करा बड़ा बड़ बोझ जा टक्कोई तो लगावे को नहीं घटे दिखावे को नहीं स्वरूप लुगाई होने अते ए बैठे इन्हें बिना दांत तला आई के छोरी की कह रहे तो मतलब है कि कह चार चीज सदाई खराब कर चंद्रा मन में विचार कर सुनो भाई चंद्रा बसंत ने तेलो रूप खागो तू यदि अति सुंदर नहीं होती बसंत मरतो नहीं लेकिन चंद्रा इजाज के माँ तो शेट शेट का आदमी ही तेरी सुननी कोई नहीं है और यदि तू गड़बड़ी करी तो तन बंदी बना रखी राखेगो दूसरी बात बसंत जीव तो भी होवेगो तू ढूंढ नहीं सके ओ शेठ तन तो बंदी बना के राखसी जेब तो अक्कल काम ली तो ढूंढे बसंत ने तो शेठ ही ढूंढे। चंद्रा कहना की शेठ जी मैं समझ गई मेरो भी टाइम जीरो दिमाग होगो रांड को भी फकीर के गले में वरमाला घेर दी मैं के खाऊ हो रही हूं मैं तारा सागे हंसते हंसते शादी कर लो तारा तो सकिया का ठाठी
प्रेमियों सेठ राजी हो जाए। पण चंद्रा कहना कि महाराज मेरी एक अर्ज है, मेरे कुल की लड़कियां की शादी करी जा तो पहले बन रूप बसंत की कथा सुनाई जा और फिर बाकी शादी करी जा। थे मन रूप बसंत की कथा सुना दो और मत तारा सागर शादी कर ले। सेठ कहें ये फेरा करानी है जगह पंडित ही अनशन नहीं आती होगी। बोलो ठीक है चंद्रा, पहले गांव चलांगा, पहले तन रूप बसंत की कथा सुनाऊंगा और फिर तेरे साथ में शादी करांगा। राजी हो कि प्रेमियों गांव में आ जाए वो सेठ रह नालो कठे को उसी शहर का रहने वाला झापे रूप भगवान की। उसी शहर का रहने वाला सेठ जहां पे रूप राज करता वो सेठ कठे को रहने वालों शेर कमरगढ़ को अब गांव में आ गया है। शहर में आया खुशी मनाया किसी बात का ना डर था। सेठ मन में विचार करो गांव में आगा अब तो चंद्र को पीर भी और पूर्व साइड में रहो बीच में समुद्र पड़े वो भी आ सके को नहीं। और जब वो गरीब भी जीम तो है तो अठे ताई पूछे पर नर के जाने लीला तेरी तू ही है करता। प्रेमियों ईश्वर की माया ने अया मत करो रे भाई चुप हो जाओ पांच सात मिनट। हाँ हाँ मैं अभी पांच चार मिनट की तोड़ दे दूं अभी। अरे सुनो क्या लाल को नहीं पड़े यहाँ की कोई बैठ जाओ तो लो मत करो आबार कह दो बस दो भजन और है छोटा छोटा ही का। नर के जाने लीला तेरी तू ही है करता तरथा। प्रेमियों मालिक की रचना न आदमी क्यों नहीं जान सके। सेठ काफी फिसल हो और दासा ने छोड़ दे चंद्रा के सेवा में और कह लगे तारी ओन वाली सेठानी है एक ही खूब सेवा करनी है। और सेठ गांव में निसर गया बा पंडिता के कने जाके पंडित जी ने पूछो पंडित जी कोई कथा बतावे के। पंडित जी बोला सगड़ी आवे धरती पर ही झुकी सगड़ी। सेठ कहने लगे पंडित जी रूप बसंत की कथा वे के। पंडित जी बोले आ तो को नहीं आवे। सेठ बोले तन क्यों को नहीं आवे थे गांव ने खराब कर तो फिर हो क्यों सेठ ने तो विश्व मतलब हो। सगले पंडित ने बूझे अब है फिर भी कोई हमड़ नहीं भरे तो पाछो जाके सेठ चंद्रा ने कह लगे चंद्रा तुम मन बावड़ो बनाव है कि रूप बसंत नाम की कोई कथा है। चंद्रा कहने लगे सेठ जी है तो सेठ पंपलेट छपुआ वे और पूरे शेर कमरगढ़ में छिपुआ देखे कोई भी रूप बसंत की कथा सुनानियों को पत्तो बतावे को कथा सुनानियों नहीं पत्तो बताओ को बिन मुंह मांगी इनाम भेजा गया। और प्रेमियों एक है शेर कमरगढ़ के बाकी रूखाड़ी एक मालन कराया करती मालन में प्रसन्न पड़े जे टाइम है सेठ दखो दे बसंत के पानी में तो बसंत मरे को नहीं है। बसंत के एक लकड़ी की पेड़ी हाथ आ जावे है और पेड़ी के सारे तिरतो तिरतो और वो भी शेर कमरगढ़ के नजदीक आ जाए पानी मुंह निसर की
और पानी के जस्ट समुद्र के किनारे राजा को बाघ और बाघ की रुखाड़ी मालन क्रिया करती। प्रेमियों बसंत पानी मुनिश्वर की और देखो डोली के माँ कोई छाया बैठा मालन बैठे खड़ी। मालन बोली चल चल मर चल कोई चोर चमार निश्र बात। बसंत मन में विचार करो देखो आदमी की ओ परीक्षा ले बहुत कड़वी ले तो हाथ जोड़ की और बसंत मालन ने कहे मैं दुखिया इंसान हुए मैं दुखिया इंसान मेरा रूठ गया है भगवान के मैं दुखिया इंसान बसंत कहने लगे भाई मैं कोई चोर चपार नहीं है दुखी आदमी मैं दुखिया इंसान मेरा रूठ गया भगवान मालन ने कहने लगे भाई देखे खाता जग में फिरू हूँ दे दे सारा मतन अर्ज करू मना तो ही सारो चाहे मैं डोली के माँ एक पेड़ के नीचे मेरो टाइम काट लू भूलू नहीं ऐसा न तारो ओ ऐसा न जिंदगी में भूलूंगा। मालन मन में विचार करो प्रेमियों का पा पागल कोई उठाई गिरू समझ रहे है तो पढ़ी लिखो मालन में परचान पढ़ की आई और मालन देखियो ठे बेरो पाड़ लिया एक कन मालन कहना गिरी भाई आप पढ़ी लिखे लागे बोले हाँ भाई पढ़ी लिखियो रूप बसंत की कथा जो सुनाए भैया कथा जो सुना सुख पावे माया बिनी सदा सुख पावे भैया सदा सुख पावे होगा आदर मान रे तेरा होगा आदर मान वो तेरा खूब भटेगा सम्मान
लिखण आ गई मालणे, बोली रे भाई पढ़ी लिखी लागे। बसंत बोले हाँ भाई पढ़ी लिखियो। रूप बसंत की कथा जो सुनाए माया मिलेगी इतना सदा सुख पाए। कहला गिर भाया तन रूप बसंत की कथा वे के बसंत मन में विचार करो को मालण के कने रूप बसंत वाली बात कठ्यू आई। कहला गया भाई तो रूप बसंत के बारे में क्या जाने है? बोले भाई मैं तो क्यों नहीं जानू, मारे नगरी को एक सेठ है और सेठ काफी पिछाड़ो है और वो पंपलेट छपा में लेखी के रूप बसंत की कोई कथा सुनानी है को पत्तो ही बतावेगो बिन मुंह मांगे इनाम दी जागे। तुम तो इनाम के चक्कर में कर रही हूं और यूं आगे मत रूप बसंत के बारे में क्यों बन जाओ। बसंत कहने लगे भाई मैं रूप बसंत की कथा जानू। मालण बोली भाई तू तो यही हमण भरी है जिया सच्चा ही जानते हो जिया। क्यों मालण कहे और शेर कंवरगढ़ का जगह पंडित ही बन को नहीं आई बावलियन थोड़ी आवे। बोले भाई तू तो यहाँ कह जिया तन सच्चा ही आती हुए। बसंत कहने लगे भाई मन सच्चा ही आवे, तू जाके तेरे सेठ की हेली मत तेरी मन इनाम आराम ले ले। तो मालण बागशू सेठ की हेली में जाके और जाके कहना कि सेठ जी रूप बसंत की कथा सुनानी को पतो मत आने बता सो। सेठ राजी हो जा क्यों कोई बताए ही को नहीं। अब दो चीज यहाँ लिखी हुई, एक तो आदमी क्रोध में वजना एक राजी हो जाना बिन सोचे को नहीं। सेठ बाग के माए आवे है बसंत तो मिल की जा है लेकिन बसंत ने हार मुकेश मेरे का ने देख है बसंत ने जाने नहीं। बोले भाई तने रूप बसंत की कथा आवे। बोले मन आवे सेठ पाछो प्रेस पर जाक है और पंपलेट छपवा के पूरे शेर कमरगढ़ में छिपवा दे है भाई काल 7 तारीख 7:10 ने और 11 बजे वो लेके 3 बजे तक सेठ की एली में इस पत्ते पर रूप बसंत की कथा सुनाई जाएगी। कोई आदमी सुनने को इच्छुक हो जो कोई पत्ते पर जरूर आवे। पंपलेट पूरे शेर कमरगढ़ में छिपवा दे है प्रेमियों बात चलती चलती और शेर कमरगढ़ के गढ़ में जा है और गढ़ में राजा रूप के काना तई आ बात। राजा रूप मन में विचार करियो इस शेर कमरगढ़ नगरी में अपनी कथा सुनानी। सिपाया ने सेठ की हेली में भेजे राजा रूप। सिपाही जाके कहला गया कि सेठ तेरो 1 रुपयो तो लागे को नहीं, आ कथा अठे नहीं आ गढ़ के प्रांगण मोशी और पंपलेट छपवा दे राजा रूप पूरे शहर में और सगले नगरी के लोगों ने ऑर्डर दे दे कि काल 11 बजे लेके 3 बजे तक गढ़ के प्रांगण में रूप बसंत की कथा सुनाई जाएगी। शेर कंवर गढ़ के बूढ़े बुजुर्ग ने माता बहना ने शाना ने सारा ने ये कथा सुन आणु ऑर्डर है। प्रेमियों गढ़ के माए और बैठ जाए राजा रूप को सिंहासन बार ने लगा दी। मंत्री संतरी सब बैठिया शेर कमरगढ़ नगरी का लोग बाग बैठिया और एक पाटो लगा के और बसंत की बैठने की व्यवस्था कर दी। प्रेमियों अब थे अल्लो मत करो, 5 मिनट को 1 भजन और बसो लास्ट है उसमें पूरा कर दो। अति देर बोलो मत मन माफी दो। रूप को बसंत को भी और पाटे पर जगह जा छाती थी। सारा नगरी का लोग बाग आप भी बैठ जाओ भाई के बाद में अच्छा आप पकड़ानी हो 5 मिनट को भजन है इसके बाद में पकड़ा दो बीड़ी सिगरेट आप एक बार बैठ जाओ 5 मिनट बैठ जाओ हाँ जोड़ के 5 मिनट ये भजन बैठ जाओ बस। कोई सार लो बात करे तो तारी भी जवाबदारी हो बस एंडिंग है। तो राजा रूप कहना गिरे कथा बांचनिया यदि तन रूप बसंत की कथा आवे तो ही शुरू करी यदि यदि नहीं आवे तो कोई की झूठी कहानी शुरू मत करी। यदि तू गरीब आदमी लागो तन को टक्के पीछा खातर करतो मैं तो तू कैसी बता पीछा मतन यही दे देश। प्रेमी बसंत कहे महाराज मन रूप बसंत की कथा आवे पर ए लोग बाग बैठे आम कोई जानकार नहीं हुए ए कह दिया गलत है बिको तो दोषी मत थोड़ी
राजा रूप कहना गिर कथा बांचनी तना तो अभिमान है जरा तू कथा चालू करे और तना अपने आप बेरो प्रजेसी कह लोगा के मां कौन तो रूप बसंत की कथा जाननी है कौन कौन आ कौन कह के मैं जानू प्रेमियों अड़क सिंह रूप बतीमा रूप बसंत सुनो चित से लगाए धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जय का धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जय का धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जय का पिता खड़क सिंह रूप बंदी माँ पिता खड़क सिंह रूप बंदी माँ रूप बसंत सुनो चित से लगाए धारा नगरी में थे होती धर्म की जय जयकारा राजा रूप ने प्रेमी बसंत कहे है महाराज पिता खड़क से रूप बसंत के बाप को नाम खड़क सिंह हो पिता खड़क सिंह रूपवती माँ माँ को नाम रूपवती हो पिता खड़क सिंह रूपवती माँ रूप बसंत सुनो चित से लगाए बाक दो संतान ही बड़े लड़के को नाम रूप और छोटे को नाम बसंत दारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जय का महाराज दारा नगरी का रहना प्रेमी राजा रूप मन में विचार करे है बात तो शुरू से स्टार्ट करी है कह लगे हाँ कथा वाचनी है आगे के तो कह लगे महाराज किस्मत माड़ी रूप बसंत की किस्मत माड़ी माता को भी बहुत बीमार धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जय का धारा नगरी में रहते थे होती धर्म की जय जय का पिता खड़क सिंह रूप बती माँ पिता खड़क सिंह रूप बती माँ बसंत कहना गया महाराज दान पुण्य हमने होता सुख पाता सब नर नारी राजा खड़क सिंह को राज बहुत बड़ी है और पल पल में दशा बिगड़गी राजा को बरो पुरु कुशियासु बरेड़ो परिवार हो फिर भी परिवार के केबरों की नजर लागी पल पल में दशा बिगड़गी दुख दे दी न गिरदारी राजा के खड़क सिंह के पूरे परिवार बिखर जाए है महाराज रूप बसंत की किस्मत माड़ी महाराज और तो हाज कहा बे रूप और बसंत दोनों बालक बड़ा बदनसीब है और प्रेमी राजा रूप के बमाक के गप्पी गाल की रोयो बात टक दें से याद आई आंखें हम आंसू आ जाए रो रू कांटो खड़े हो जाए राजा रूप सिर को ताज उतार की साइड में मिल दे कुछ नर्वस हो जाए और कहने लगे हाँ कथा वांचनिया अंकल जी ओ अंकल जी ओ अंकल जी एक मिनट बैठ जाओ तो या नाको पूरो अड़ गयो थोड़ी तो क्यों सुनो भाई कहना क्या महाराज
रूप बसंत, रूप की उम्र 4 साल भी टाइम, बसंत की उम्र 2 साल। बाकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, प्रेमी राजा रूप के बाद स्थिति याद आवे, कुछ नर्वस हो जाए, रो रो का टुकड़े हो जाए, हाँ कथा बांचनी है, आगे के हो तो आगे के महाराज। अरे डॉक्टर पेट सारा लट गया, आखिर जीव घबराया, समय रानी राजा से एक वचन भरवाया, राजा ना वचन निभाया, देखो राजा ना वचन निभाया, पोतो ब्याह के लायो तू सरिनार, धारा नगरी में रहते थे होते धर्म की जय जयकार, महाराज। डॉक्टर वैद सारा नटका, रूप बसंत की माती बीमार हो वह है, राजा खड़क सिंह जत्ता भी डॉक्टर वैद बुलाना बेसगड़ा जवाब दे दी। डॉक्टर वैद सारा नट गया, आखिर जीव घबराया, और मरते समय रानी राजा से एक वचन भरवाया, रूप बसंत की माँ रूपवती मरण न लगी, तो राजा खड़क सिंह अंतिम समय एक वचन भरवायो कि महाराज मेरे मरण के बाद में दूसरी शादी मत करियो। राजा वचन भी दे दियो, पर राजा ना वचन निभाया, और प्रेमियो राजा रूप सिंहासन पर खड़ो जा, और ब्याह के ले ओ दूसरी नार, बा मोशी वाली बात याद आवे, फांसी की सजा बिना मतवल का, राजा रूप के आंखें में आंसुओं की जड़ी लाग जाए, सिंहासन लड़खड़ाते पघात छू, और कथा बांचनी है कन चाले है, और चाल तो कह लागू रे कथा बांचनी है, एक मिनट सुन भैया। इतनी सुन के रूप उठ बोला, तू तेरा पता बता भाई, कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भर आई, कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भर आई। राजा रूप कहना गिरे कथा बांचनिया, आगे बाद में कही। इतनी सुन के रूप उठ बोले, तू तेरा पता बता भाई, तू कोनी भैया आ बता, तू कैसे जानी मारी कहानी, मारी कहानी तिरकन के आई, रोया छाती भराई, एक एक आंख में नौनुआ सूजा। बसंत कहना गया, महाराज मैं पराई कहानी को नहीं करे हूं, मैं तो खुद की बितेड़ी कहानी करे। राजा रूप कहना गया, कथा बांचनी है, तेरे में क्या बितेड़ी है भैया। कहना गया, महाराज एक कथा को एक बद नसीब पात्र मैं भी हूं, कथा बांचनी है, तू कौन सोही। कहना गया, महाराज मेरो नाम बसंत है, और राजा करण देनिशी पेड़ वाली बात याद आवे है, राजा रूप के मेरो भाई बसंत, महाराज आप तो राजा हो, मेरे भाई को नाम तो रूप हो, महाराज मेरो भाई ने तो मजटे फिरूं जिया रोटे सटे वो फिर तो बंद, राजा कौन बनाओ। कह लागे हो कह रहे भैया बसंत तेरो भाई रूप है, मैं गप्फी गाल ले है, मैं राजा कोनी हूँ, मैं थालो भाई। जब बसंत कहने लगे भैया ते 20 वर्ष में मन एक मिनट आंखें नाके को नहीं करो, जब दिन मैं तन पानी लैण ने भेजा, तार ए की के बेईमानी आ गई कि थे मन सुतन छोड़ के चले गए। रूप कहने लगे रे बसंत मन बास च लगानी है कि राजकाज के, मैं तो जके दिन को मरियो मरियो ही फिरूँ, तेरो जके दिन शरीर और जवाब दे गयो ने, जके दिन मत हो राज काज के ने, तेरा प्राण पंखेर उड़ गया, मैं पानी लेके आयो, तू जीव तो को नहीं मत उठे, और तेरी बॉडी तन जलाने खातर सामान लेने आयो कपन खाटी को, जना मन तो पकड़ की राजा बना दियो, मैं पाछो गयो ना तू लादी को नहीं। तो कहवे है बसंत नाम सुन चंद्रा गुड़लाई, मिल गया मेरा पति
सुन के रूप उठ बोलिया, तू तेरा पता बता भाई कैसे जानी मारी कहानी, रोया छाती भराई। बसंत नाम सुन चंद्रा कुरलाई, कथा बांचनियों कहने लगे मारो मेरो नाम बसंत है। चंद्रा शेठ कह करने बैठी, चंद्रा कहने लगी शेठ बदे मेरो पति बसंत बोलियो, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाड़ने बांका कर सके जो जग बेरी। तू कौन है के पानी में डूब गई मर गई, या कोई मछली नींग लगी या मगरमच्छ खा गयो, मेरा पति बसंत बोरे। प्रेमियों रूप बसंत है, दोनों भाई पाछा मिले हैं। प्रेमियों और एक एक आंख में नौ नौ आंसुमा की दोनों भाई के जड़ी लाग जा है। और बताई है रूप बसंत गले मिल रोए आंखों से आंसू बह गए, रूप बसंत गले मिल रोए आंसू बह गए, एक दूजे का आंसू पूछे सुख दुख सारी कहर गए, एक दूजे के आंसू पूछे सुख दुख सारे कहर गए, एक दूजे के आंसू पूछे सुख दुख सारे कहर गए। अरे महलों में वो रह रहे, महलों में वो रह रहे, मूल चंद करे प्रचार धर्म धर्म में रहते थे होते धर्म की जय का, हरा रूप बदलीमा पिता खड़क सिंह रूप बदलीमा, रूप बसंत सुनो चित से लगाए हरा नगरी में रहते थे होते धर्म की जय जयकार, हरा नगरी में रहते थे होते धर्म की जय जयकार, होते धर्म की जय। रूप बसंत गले मिले रोए आंखों से आंसू बह रहे, एक दूजे के आंसू पहुंचे सुख दुख सारी कह रहे, महलों में वो रह रहे मूल चंद करे प्रचार दारा नगरी में रहते थे ओती धर्म की जय जयकार। जय जयकार प्रेमियों। बसंत कहने लगे भैया रूप आपने मौसी का जकदिन लक्षण माड़ा हा, तो आज जरूरी को नहीं का आपने सागे आपने पिताजी के सागे सही व्यवहार करो, आपन दारा नगरी में चाल की और देखनो छे। तो दोनों भाई अरे फौज ले की दारा नगरी में जाही, प्रेमियों भी रानी का एक नौकर के सागे संबंध है, और रूप बसंत न आए न एक मन हो गए। जकदिन राजा खड़क सिंह ने गिरफ्तार करके जेल में घेर दी थी, और राजकाज वो नौकर बा रानी ज्ञानवती चलावे के रूप बसंत दोनों जाए हैं। आपके काके धीर सिंह ने और पिता खड़ग सिंह ने जेलों बारे काटे हैं, और पाजो दारा नगरी के राज सिंहासन पर स्थापित करे हैं। तो आप सुन आग्रह है एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दो, और धारा नगरी में रहते थे होते धर्म की जय जयकार, सारा लोग बात सारा। यदि तारो जी राजी है जो तो दोनों हाथ उठा के एक मिनट ताली बजा दो सारा का सारा, और नहीं राजी है तो मैं नहीं चल कर। हर नगरी में रहते थे धर्म की जय जयकार, बोलो शायर जी महाराज की।